हे गाइस, आज हम फिर से मिले एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में है आज इनक्रेडिबल का सबसे छोटा वाला मशीन, 5 लीटर वाला डीलक्स, इनक्रेडिबल का डीलक्स मशीन। आज हम उसका रिव्यू देखेंगे, कैसे यूज होता है, कैसे असेंबल होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मशीन जो बॉक्स में आता है, बेसिकली जो बोनस वाला मशीन आता है वैसे ही दो बॉक्स में आएगा। एक बॉक्स में मशीन रहेगा, एक बॉक्स में ये रोड रहेगा, रोड के साथ ब्लेड रहेगा। ठीक है, ये रोड है, रोड के साथ ये छोटा वाला ब्लेड है, और उसके साथ ये प्लास्टिक का ही आता है। चलिए, रोड ये भी फिट हो गया है, देखिए भी ऐसा लग रहा है फिट हो गया। इतना ही हाइट रहेगा, एकदम से छोटा है, सिर्फ 5 लीटर तक ही कैपेसिटी में चलेगा। देखिए, अभी ये उसका स्विच है, एकदम प्रीमियम स्विच है। ये जो स्विचेस दी गई हुई है, इसमें 1 और 2 दो लिखा है। चलिए देखिए, इसमें 1 और 2, ये 1 और 2 वाली क्या आएगी, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे दोनों साइड घुमाने के लिए। और ये ONI लिखा है, वो क्या है, ऑन और ऑफ है। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। और इसमें लाइट होगी, बीच में लाइट है। पूरा यूनिक डिज़ाइन है, और सिंपल और सबसे छोटा वाला एकदम प्रीमियम मॉडल बनाया है इनक्रेडिबल ने। ठीक है, चलिए अभी इसको फिट करते हैं। देखिए अब कितना छोटा है, मतलब एकदम से साइज में भी छोटा है पूरा, मतलब स्पेसिफिकली होम पर्पज के लिए ही बनाया गया है। कई सारे लोगों को क्या था कि मशीन स्टार्टिंग में, तो जब मदानी मशीन का स्टार्ट हुआ तब सब लोग गांव में भी 20 लीटर 30 लीटर में ही यूज़ करते थे। बाद में क्या हुआ कि शहर में भी कई सारे लोगों को जो गांव से आते थे, रिचुअल थे मदानी मशीन यूज़ करने को। तो इसलिए क्या है कि हमने सबके लिए, जो शहर में भी यूज़ कर सके और जो सिर्फ 5 लीटर का ही कट यूज़ बनाते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए स्पेसिफिकली ये मॉडल बनाया गया था। ठीक है, अभी इसको फिट करते हैं। देखिए, सिर्फ पहले हम क्या करते हैं, जब भी प्लेट आती है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और स्टील का प्लेट, अभी स्टील का प्लेट पहले फिट करेंगे उस पर मशीन पे। ठीक है, चलिए स्क्रू हमने 1 by 1 निकाल दिए हैं अभी। ठीक है, स्क्रू निकालने के बाद ये जो रोल टाइट हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा अंदर तक हुआ है। वो हर बार ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप प्लेट फिट करोगे, अगर वो बाहर रहा होगा, ठीक से फिट नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो स्टील में टच हो जाएगा, ये जो स्टील का प्लेट है उस पर टच हो जाएगा, फिट नहीं होने देगा अच्छी तरह से। 1 by 1 प्लेट रख के उसका स्क्रू टाइट कर देते हैं। 4 स्क्रू टाइट हो चुके हैं, अभी इस पर प्लेट लगाई जाएगी प्लास्टिक की जो आती है। ठीक है, स्क्रू मैच करके, स्क्रू का मतलब पोजीशन मैच करके इस पर लगाना है, सिंपली देखना ही है। और जो स्क्रू का पोजीशन है वो स्क्रू पे ही आना चाहिए, उसे देखना है। अच्छी तरह से दबा देना है उसको। देखिए अभी वो तो घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कर रही है प्लेट। ठीक है, देखिए अभी ये फिट हो गए। अब नीचे एक प्लास्टिक का जो साथ में आता है वो लगा देंगे। ये क्या करता है, ये सिर्फ जो कर्ड हम जो बनाते हैं तभी मशीन में ना जाए, इसको प्रोटेक्शन देता है। ये पूरा टाइट रहेगा, बहुत टाइट रहेगा, क्योंकि नया होता है ना मशीन, इसलिए आपको क्या करना है, एक बार लगा देना है, उसके बाद कभी निकालना ही नहीं है। ये पार्ट से ऐसा है, कभी निकालना ही नहीं पड़ेगा, वैसे ब्लेड भी नहीं निकालनी पड़ेगी। एक बार टाइट कर दिया आपने अच्छी तरह से, तब पूरा मतलब लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। इस ब्लेड को अंदर टच नहीं, थोड़ा सा गैप रखना है। ठीक है, बीच में इसको ब्लेड लगा देते हैं, भी इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसमें लाइट होगी। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसमें चलिए लाइट होगी, लाइट चल रही है। अगर इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये स्टार्ट होगा। देखिए वो घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको रिवर्स करते हैं वहाँ से। देखिए रिवर्स हुआ, दोनों साइड घुमाने के लिए वो स्विच दी गई है। चलिए ठीक है, अभी इसको एक बार उठा लेते हैं। देखिए ये पूरा मशीन अभी फिट हो गया है, एकदम से क्लासिक लुक तो बहुत अच्छा रहा है। मेन तो क्वालिटी देखनी है मशीन की, अगर आप कोई भी मशीन लो एक बार इसको देख ही लो, मतलब देखने से ही पूरा क्वालिटी दिख जाता है पूरा। इसको कभी भी जंक नहीं लगेगा, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है, एक पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है। तो क्या है कि जब भी मशीन ज़्यादा यूज़ होता है तब मशीन को हीट लगती है, मशीन गर्म होता है, मगर ये एल्यूमिनियम होने की वजह से क्या है कि पूरा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मतलब अभी विंटर में तो वो दिक्कत ही नहीं होगी, मगर क्या है कि समर में अभी यूज़ करते हो तब की बात है। ये अभी पता नहीं मशीन डीलक्स वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही आगे हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।